छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है राजिम। दक्षिण कोसल के बिखरे हुए ऐतिहासिक सांस्कृतिक अवशेषों को अपने दामन में समेटे राजिम का अस्तित्व हमें अपनी ओर खींचता है। राजिम की पवित्रता के कारण ही इसे तीर्थ स्थान का सम्मान मिला है और गंगा की तरह पावन मानी जाने वाली महानदी ने इसकी पवित्रता की भावना को और भी बढ़ाया है। जिस तरह हरिद्वार की यात्रा दक्षिण के रामेश्वरम तक जाने से संपूर्ण मानी जाती है, उसी तरह मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब आप राजिम के साक्षी गोपाल के दर्शन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा है राजिम। प्राचीन धरोहरों ने प्रकृति से एकाकार होकर इस क्षेत्र को दूर दूर तक प्रसिद्ध किया है। इतिहासकार हो या पुरातत्ववेत्ता, कला के प्रेमी हो या श्रद्धा के पुजारी, या सिर्फ पर्यटन के लिए ही लोग राजिम की प्रसिद्धि सुनकर खींचे चले आते हैं। शहर की व्यस्त दिनचर्या से यदि आपका मन ऊब गया हो तो चले आइए मंदिरों की नगरी राजिम में। यहाँ के शांत रमणीय पवित्र वातावरण से बढ़कर मन को शांति देने वाली जगह और कोई नहीं। यहाँ पहुंचना भी कोई मुश्किल नहीं है। राजधानी रायपुर से हर 5 मिनट पर राज्य शासन की और प्राइवेट बसें चलती रहती हैं, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी से भी राजिम पहुंच सकते हैं। तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेनों के समय में राजिम जाने वाली छोटी लाइन की ट्रेन की यात्रा का भी अलग ही मजा है। ये यात्रा बहुत रोचक लगती है क्योंकि धीमी गति की सवारी आपको प्रागैतिहासिक काल का अनुभव दे सकती है। रायपुर से बाहर के लोगों के लिए भी राजिम आने के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं। रायपुर मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर आता है और रायपुर हवाई यात्रा से भी पूरे देश से जुड़ा है। नेशनल हाईवे 43 और क्रमांक 6 के कारण सड़कों के जरिए आप आसानी से राजिम पहुंच सकते हैं। रायपुर से तो सिर्फ 1 घंटे में आप राजिम पहुंच सकते हैं। रायपुर में ठहरने के लिए होटलों की कोई कमी नहीं। टूरिज्म होटल भी है जो अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देता है। महानदी के एक तट पर है नयापारा और दूसरे पर है राजिम, और इन दोनों छोरों को जोड़ने का काम किया है इस पुल ने, जिसका नाम है गांधी पुल। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा गया है क्योंकि यहाँ महानदी, पैरी और सोंदूर नदियों का संगम है। यहाँ किए गए श्राद्ध, तर्पण, पर्व स्नान, दान आदि का वही महत्व है जो इलाहाबाद के संगम में पवित्र गंगा नदी के समीप मिलता है। यहाँ शिवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से लोग संगम में स्नान करने और भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार राजिम का पुराना नाम कमल क्षेत्र या पदमपुर था। छत्तीसगढ़ के इतिहास को यदि गहराई से जानना है तो राजिम की ऐतिहासिक जानकारियां लेना भी बहुत जरूरी है। राजिम के संगम में 3 नदियां आकर एकाकार हो जाती हैं। पैरी और महानदी का संगम चित्रोत्पला कहलाता है। संगम में नदियों का पाट बहुत चौड़ा, बहुत विस्तृत है। इसके बीच में टापू में स्थित है कुलेश्वर महादेव का मंदिर। दूर तक क्षितिज को छूता हुआ जल, शांत जल मंदिर की नीरवता के साथ जैसे उपासना का माहौल बना रहा हो। सरयू के तट पर बहुत से मंदिर हैं, इसीलिए तो राजिम को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये नदियां व्यापार के लिए काम में आती थीं और यहाँ जलीय मार्ग का एक बंदरगाह भी था। तब राजिम में कैसी चहल पहल रहा करती होगी। थके हुए मन को शांति मिलती है प्रभु के स्मरण से। यही कारण है कि राजिम के मंदिर शहर की भागम भाग वाली जिंदगी से दूर हरे भरे वातावरण में शांति का वातावरण बनाते हैं। टापू पर बने कुलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण नदी के बीच टापू पर है। ये मान्यता है कि बरसात में तट पर बने शंकर मंदिर के शिवलिंग को पखारने स्वयं महानदी ऊपर आती है और तब तक नीचे नहीं उतरती जब तक शिवलिंग का अभिषेक नहीं कर लेती।
कुलेश्वर महादेव के मंदिर गर्भगृह से संबंधित वास्तु योजना का स्वरूप अन्य मंदिरों से अलग है। यहाँ पर दो गर्भगृह थे, दक्षिण दिशा का गर्भगृह कुलेश्वर महादेव का और दूसरा सूना पड़ा था। दोनों गर्भगृह के अलग अलग शिखर थे। शायद बरसाती नदी के तेज उफान को कम करने इस मंदिर का निर्माण किया गया हो। महानदी और पैरी के संगम में लोमश ऋषि का आश्रम भी था। वैदिक काल से ही प्रायः सभी नदियों और संगम पवित्र माने जाते हैं और इसीलिए ऋषि मुनियों के आश्रम भी ऐसे ही पवित्र स्थानों में होते थे। छत्तीसगढ़ की विकास गाथा में इतिहास के पन्नों में दर्ज ये राजीव लोचन मंदिर अत्यंत प्राचीन स्मारकों में से एक है। 12वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के बीच ये उपासना का महत्वपूर्ण स्थल था। समस्त लक्षणों से युक्त चतुर्भुज विष्णु का श्री विग्रह राजीव लोचन कहलाया, जो आगे चलकर राजीव लोचन नाम से प्रचलित हुआ। शिखर युक्त विमान और थोड़े सपाट छतों वाले मंडप राजीव के मंदिरों की विशेषता है। इसके मंदिरों की शैली, विन्यास, निर्माण संबंधी तकनीक जिस परंपरा का वहन करती है, उसकी श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है राजीव लोचन मंदिर। इतिहास से वर्तमान तक की विकास गाथा का एक सोपान है ये मंदिर। इस मंदिर के महामंडप की दीवार पर शिलालेख चढ़ा है, जो कि विलास तुंग राजा द्वारा बनवाया गया था। राजीव लोचन मंदिर की निर्माण शैली सोमवंशी राजाओं के काल में बने मंदिरों जैसी है। ये मंदिर भी पकाई हुई पक्की ईंटों के बने हैं। भीतर महामंडप, अंतराल और गर्भगृह हैं। दक्षिण कोशल के शरबपुरी शासकों के राजत्व काल में 500 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंडप के प्रवेश द्वार में बेहद कलात्मक द्वार शाखाएं बैठाई गई हैं। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर का शिखर सामने से देखने पर पिरामिड के आकार का लगता है। प्रायः सभी उपासना के मंदिरों में शिखरों का बहुत महत्व है। ये शीर्ष ही ब्रह्मांड से ऊर्जा की तरंगे समेटकर भक्तों को ऊर्जावान, प्राणवान बनाते हैं, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं। इस मंदिर को गर्भगृह में शंख, चक्र, गदा और पद्म, चारों आयुध से सज्जित विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित है। विष्णु के तो बहुत से नाम प्रचलित हैं, राजीव लोचन, राजीव नयन, कमल नयन, पद्म नेत्र आदि। राजीव का राजीव लोचन मंदिर अपने आप में बहुत सी खूबियां समेटे है। इसके चारों परकोटों में चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। बीचों बीच खड़ी है विष्णु जी की प्रतिमा। इस चतुर्भुजी मूर्ति का दिन में 3 बार श्रृंगार किया जाता है, जिसमें विष्णु जी के बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था की कल्पना की जाती है। ऐसा कहा जाता है रक्षाबंधन और दिवाली के समय किए जाने वाले मोहिनी रूप के श्रृंगार से तो एक नास्तिक भी आस्तिकता की ओर झुकने लगता है। राजीव में रहने वाले, यहाँ आकर उपासना करने वाले लोगों की जीवन शैली बहुत सरल सहज है। मंदिरों के कारण पूरा वातावरण सुवासित, नादमय और भक्ति रस से सराबोर रहता है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन की भक्ति धारा में जैसे सभी लोग बहते रहते हैं। कहीं महिलाएं रामायण का सस्वर पाठ करती रहती हैं, तो कहीं भागवत का प्रवचन किया जाता है। ब्राह्मण से श्राप ले लिए, तत्काल फल देने वाली पार्वती भोले शंकर की मैं तपस्या करूंगी ऐसा निश्चय कर लिए और अपने आश्रम में आकर के महान कठिन तपस्या। सुबह से ही भक्तों को अपने प्रभु का स्मरण मंदिरों तक खींच लाता है। महिलाएं भक्ति भावना में बढ़ चढ़ कर डूबी रहती हैं। माघ के महीने की पूर्णिमा पर लगने वाले मेले से, जो कि पूरे महीने भर चलता है,
राजिम तो जैसे भक्तिरस से नहा उठता है और इस तीर्थ स्थान की महत्ता इसी से और भी बढ़ जाती है। धार्मिक और पुरातात्विक धरोहरों को अपने आंचल में समेटे छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से भी हमारी घूमने फिरने की, प्रकृति के बीच रहने की मूल आवश्यकता को बखूबी पूरा करता है। राजिम के मंदिर हमें इसी सत्य के दर्शन कराते हैं कि प्रकृति और प्रभु जहां एकाकार हो जाते हों, वहीं मन की शांति है, वहीं जीवन की गतिशीलता को विराम है।